मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद कांग्रेस का बनवास खत्म हुआ, जहां पर भाजपा को हराकर एक बार फिर लंबे समय के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बन रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब विधायक दल की बैठक में कमलनाथ के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए हाँ कह दिया। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, औपचारिकता बाकी रह गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सीएम के लिए कमलनाथ के नाम का ऐलान कर अंतिम मुहर लगाएंगे। कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे, एक उपचुनाव हारे, वहीं अरुण यादव के बाद उन्हें मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली, 7 अन्य विधायकों को मिलाकर 121 सीटों पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें 4 कांग्रेस के जीते हुए बागी विधायक रहेंगे। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने 2 विधायकों को कांग्रेस में समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने विधायक को कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। नेता का चयन आदरणीय राहुल जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पे छोड़ा गया है। और विधायकगण जो आदरणीय एंटनी जी से और भवन जितेंद्र सिंह जी से भाई चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा भी कर रहे हैं, पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि विधायक दल का नेता आदरणीय राहुल जी तय करेंगे। प्रस्ताव आरिफ अकील जी ने रखा था, जो सीनियर मोस्ट है, और इसका समर्थन कई विधायकों ने करा था और ये निर्णय ले लिया गया है। तो इस तरह की दिक्कत आ रही थी मैडम? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस बार बिल्कुल साफ तौर पे हमने कहा था कि लड़ाई हमारी किसी पद को लेकर नहीं है, लड़ाई हमारी हमारे नेताओं की भूख, हमारे नेताओं की मेहनत, इस मध्य प्रदेश को तमाम भ्रष्टाचार और जो कुशासन से मुक्ति दिलाने की थी। हम सब एकजुट होके लड़े थे और आज उसी के चलते आज ये दिन देखने को मिला है, और इसके लिए सभी नेता कार्यकर्ता